इसमें सीबीआई के जो गवाहान हैं वो तकरीबन ख़त्म होने पर हैं, अब ज़्यादातर लोग उनको मिल नहीं रहे हैं, वो रिपोर्ट देते हैं जाके कि अवेलेबल नहीं है या मर गया है या बीमार है और कोर्ट उन्हें डिस्चार्ज कर देती है। ये प्रोसेस चल रहा है, तो वो मेरे ख्याल से इसी दिसंबर के आखिर तक अपनी एविडेंस क्लोज कर देंगे, और जब उनकी एविडेंस क्लोज होगी तो फिर जो डिफेंस है यानी अक्यूज की तरफ से अपनी एविडेंस पेश की जाएगी, या कुछ गवाह जो पहले लाइब्रेरी वगैरह में पेश हुए थे जिनसे जिरा लोग नहीं कर पाए हैं उनसे जिरा करने की एप्लीकेशन वो देंगे जिनके जिनको, तो वो उनको रिसमन किया जाएगा। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ रहे, बड़े सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व रहे राइट फ्रॉम द टाइम दिस ट्रायल, एंड एज एवरी वन नोज ये बहुत ही एक हाई प्रोफाइल केस है, और कुछ जो है शुरू से ही इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल लकूनाज रहे जिसकी वजह से जो है ये केस किसी ना किसी प्रीटेक्स्ट पे डिले होता रहा, बट एज द सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड नाउ इट इज़ फ्रॉम एटलीस्ट पास्ट टू ईयर्स गोइंग ऑन डे टू डे बेसिस। देखिए सीबीआई केस ही केस सब सारी दुनिया ने देखा है कि मस्जिद गिराई गई उसकी तकरीरें हुई हैं, तो अलग अलग चार्जेज हैं, कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस तो उन्होंने पेश किए कुछ महाराष्ट्र वगैरह की गुजरात वगैरह की, तो अब उसके बारे में तो जब स्टडी किया जाए तभी पता चलेगा, लेकिन हर केस उनका जाहिर है कि वाकया हुआ है सारी दुनिया ने देखा है, वो साबित करना तो इतना मुश्किल नहीं मुझे लगता है, लेकिन फिर भी कितना उन्होंने पेश किया है कितने गवाह हैं इधर से पूरी एविडेंस तैयार होगी तो पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर मस्जिद गिराई गई, विवादित ढांचा गिराया गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि विवादित ढांचा गिरा, ये बात तो हम भी कहते हैं, हम घटना नहीं डिनाई कर रहे हैं, घटना तो हुई ही है वहाँ, विधि का एक सिद्धांत है, कोई घटना को हम कैसे डिनाई करें, घटना थोड़ी डिनाई कर रहे हैं, हम वहाँ नहीं थे, मेरे द्वारा नहीं कारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट रहा है कि गिराई गई वहाँ पर जो विवाद ढांचा गिराया गया वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, वो इनलीगल था, ये बात तो हम भी कह रहे हैं, इनलीगल है कोई घटना घटित होना, वो इनलीगल है, मैंने नहीं किया ना, मेरा कहना है मैंने नहीं किया, मेरा उसमें कोई भागीदारी नहीं थी, ना मानसिक ना शारीरिक, मेरा यही डिफेंस है। बीजेपी के लीडरों के खिलाफ दो मुकदमे हैं, एक क्राइम नंबर 197 और 198 में, एक मुकदमा ये है कि उन्होंने तकरीर की थी वहाँ, वो तो बिल्कुल साबित है, इसलिए उनकी तकरीरों के गवाहान और उनके कैसेट वो सब प्रूव हो चुके हैं, तो इसमें उनके खिलाफ दोनों मुकदमे में कॉन्स्पिरेसी में कितना साबित होता है ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन वो एविडेंस तो मैंने देखी है कि जो उन्होंने बयान दिए हैं और वो वहाँ पर जिसमें इनको छोड़ दिया गया था, पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था अडवानी को, बाद में हाईकोर्ट में हमने रिविज़न फाइल किया, इनको दोबारा मुलजिम बनाया गया, तो वो एविडेंस तो हमारी देखी हुई है, उसमें तो तकरीबन फुल्ली प्रूव होता है। मैं आपको मूल रूप से जो ये दो क्राइम नंबर है 197/92 और 198/92 इसके बारे में ही बता सकता हूँ कि यहाँ जो चार्जशीट फाइल हुई वो दो हिस्सों में फाइल, पहले एक हिस्से में हुई फिर हाईकोर्ट के आदेश से वो फ्रैक्चर्ड हो गई, और उसका जो है एक हिस्सा रायबरेली चला गया जिसके मुलजिम बने माननीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, साध्वी रितंभरा जी, उमा भारती और विनय कटियार, और बाकी जो मुलजिम बचे ये यहाँ चलने गए, और कुछ लोगों को इसमें से निकाल दिया गया था, और अब उसके बाद जो SLP डिसाइड की माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो 17 में जो डिसाइड हुई थी उसके बाद से 120B लगा और उन मुलजिमों को भी इसमें जोड़ा गया जो इसमें से निकाल दिए गए थे, अब सब का ट्रायल एक साथ शुरू हुआ। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग जो FIR का कंटेंट कहता है, FIR के कंटेंट के हिसाब से चार्जेस आर क्वाइट जस्टिफाइड और उसी हिसाब से लगे हैं, बाकी डिपेंडिंग ऑन व्हाट कम्स इन द ट्रायल एंड हाउ इट गोज वो प्रूव होता है या डिसप्रूव होता है वो एक अलग ही बात है, बट हमारा IPC जो सेक्शंस प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए वही चार्जेस लगे हैं, और यही है हमारे IPC में भी यही प्रोवाइडेड है इंडियन पीनल कोड। 97 में जब वो मामला शुरू हुआ था लखनऊ में, तो उसका जो केस रायबरेली बाद में चला है उस केस को उन्होंने जो नोटिफिकेशन था बगैर हाई कोर्ट के कॉन्करेंस के उसमें शामिल कर दिया, तो इस पर वहाँ रिविज़न फाइल हो गया, रिविज़न में जस्टिस भल्ला ने ये होल्ड किया कि चूँकि हाई कोर्ट से कॉन्करेंस दूसरे मुकदमे के लिए नहीं ली गई है इसलिए ये नोटिफिकेशन उस हद तक बैड है, और उसको उसे रिसाइड कर दिया, और कहा कि दोबारा या तो हाई कोर्ट से कॉन्करेंस लीजिए और या फिर आप इसको अलग चलाइए। वो सरकार थी BJP की, तो राजनाथ सिंह और मायावती का ज़माना था, उसमें उन्होंने डाले रखा भी, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आए, सुप्रीम कोर्ट में
रिट पिटीशन SLP भी फाइल हुई, एक रिट भी फाइल हुई, उस सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जिस दिन बहस सुनी थी और सुप्रीम कोर्ट इंक्लाइन था उसको अलाउ करने के लिए, उसी वक्त इन लोगों ने देखा, टाइम लिया पहले तो, फिर उसको लाइब्रेरी में शुरू करवा दिया मायावती के ज़माने में। तो वो जब जजमेंट दोबारा लगा उसके बहस के लिए, और तो उन्होंने कहा कि साहब कोर्ट बना दी उसके अलग, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूँकि कोर्ट CBI की बन गई है रायबरेली में, लिहाजा अपील को सक्सेस हो गई। तो इस तरीके से वो कोशिश की उन्होंने डिले करने में। Thank you.